Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmed Study Circle. This is the part 2 of the chapter Blue Wednesday from Newest to Advanced Class 3. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि जेरोसा एबॉट को मैट्रन मिसेस लिपिट ने अपने ऑफिस में बुलाया था और जेरोसा से उन्होंने कहा था कि सिट डाउन जेरोसा, आई हैव समथिंग टू से टू यू, कि जेरोसा बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर मिसेस लिपिट जो हैं वो जेरोसा से क्या कहने वाली है। तो चलिए हम लोग अपनी बचे हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस पार्ट में इस स्टोरी को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जेरोसा सैट डाउन ऑन द नियरेस्ट चेयर एंड वेटेड। अब जेरोसा क्या करती है, सबसे पास वाले कुर्सी पर बैठ जाती है और वेट करती है कि मिसेस लिपिट जो है वो क्या कहने वाली हैं। डिड यू नोटिस द जेंटलमैन हु हैज जस्ट गॉन। अब मिसेस लिपिट कहती हैं जेरोसा से, क्या तुमने उस जेंटलमैन, उस सज्जन पुरुष को देखा जो अभी अभी यहां से गए हैं। I saw his back, जेरोसा कहती है, हाँ मैंने उनका पीठ देखा, मतलब मैंने उन्हें पीछे से देखा था। हाँ, ये उसी आदमी की बात हो रही है कि जेरोसा जब नीचे आ रही थी सीढ़ियों से और जिस आदमी की भागती हुई परछाई जेरोसा ने देखा था, जो कि काफी फनी सा था, काफी डरावना, काफी ऑकवर्ड सा था, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, तो उसी इंसान की बात हो रही है। तो जेरोसा कहती है कि हाँ, I saw his back, मैंने उन्हें पीछे से देखा था। He is one of our most affluent trustees. अब मिसेस लिपिट कहती हैं कि वो आदमी जो अभी अभी यहाँ से गए हैं, वो हमारे जितने भी ट्रस्टीज हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे ऑर्फनेज के लिए दान देते हैं, पैसे देते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा अमीर हैं। एंड हैज़ गिवन लार्ज सम्स ऑफ मनी टुवर्ड्स द ऑर्फनेज सपोर्ट। और इस जेंटलमैन ने हमारे अनाथालय के सपोर्ट, हमारे अनाथालय को सपोर्ट करने के लिए ढेरों सारे पैसे दिए हैं, मतलब बहुत सारे पैसे दिए हैं। आई कैन नॉट मेंशन हिज नेम, देखो मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकती, एज ही विश्ड टू रिमेन अननोन। जैसा कि उस जेंटलमैन को अननोन रहना पसंद है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम मेंशन किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, इसीलिए मैं उनका नाम तुम्हें नहीं बता सकती। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये प्रिंसिपल होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब वो नेकी करते हैं लेकिन ढिडोरा नहीं पीटते। हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि हमें जब हम कोई चीज़ अच्छा करते हैं तो हमें उसका ढिडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से चैरिटी करें, इस तरह से दान दें कि अगर हम राइट हैंड से दे रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। बट आजकल ज़माना जो है वो थोड़ा सा अजीब हो गया है, लोग हल्का सा दान देते हैं, हल्का सा पैसा देते हैं और फिर उसका पूरा वीडियो बना लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये काफ़ी बुरी बात है। तो यहाँ पे मिसेस लिपिट जो हैं वो जेरोसा को बताती हैं कि वो आदमी जो अभी अभी यहाँ से निकले हैं वो सबसे अमीर ट्रस्टीज में से एक हैं, उन्होंने हमारे ऑर्फनेज को सपोर्ट करने के लिए ढेरों सारे पैसे दिए हैं और वो अननोन रहना चाहते हैं, मतलब मैं चाहकर भी उनका नाम तुम्हें नहीं बता सकती। जेरोसाज आईज वाइडन स्लाइटली। अब इस बात को सुनकर जेरोसा की आंखें जो हैं वो चौड़ी हो जाती है। She was not accustomed to being summoned to the office to discuss the eccentricities of trustees with the matron. अब यहाँ पर बताया गया है कि जेरोसा एबॉट को इस चीज़ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि मिसेस लिपिट उसे ऑफिस में बुलाएं और साथ में वो मैट्रन के साथ, मिसेस लिपिट के साथ बैठे और ट्रस्टीज़ के बारे में और वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनके eccentricities, उनके अजीब व गरीब चीज़ों के बारे में वो मैट्रन से बात करें। तो ये चीज़ जो हो रही थी वो पहली बार हो रही थी और जेरोसा को ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, काफ़ी अजीब लग रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में मिसेस लिपिट हैं जो कि उस ऑर्फनेज की मैट्रन है और ये रही जेरोसा एबॉट जो कि जितने भी 97 ऑर्फन्स जो हैं जॉन ग्रायर होम में, उन सब में बड़ी है और इसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि आपने पार्ट 1 में ज़रूर पढ़ा होगा। This gentleman has taken an interest in several of our boys. अब मिसेस लिपिट कहती हैं कि ये जो जेंटलमैन हैं, ये जो सज्जन पुरुष हैं, इन्होंने हमारे हमारे अनाथालय के कई सारे लड़कों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।
यू रिमेम्बर चार्ल्स बैंटन एंड हेनरी फ्रीज? क्या तुम्हें चार्ल्स बैंटन और हेनरी फ्रीज याद है? दे वर बोथ सेंट टू कॉलेज बाय दिस ट्रस्टी। उन दोनों लड़कों को इसी ट्रस्टी ने कॉलेज भेजा था। एंड बोथ हैव रीपेड विद हार्ड वर्क एंड सक्सेस। और दोनों आजकल सफल हैं, और दोनों ने मतलब जब इस इंसान ने उन दोनों बच्चों पर भरोसा किया और उसे कॉलेज भेजा, तो इन दोनों बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, वो सफल हुए और इस तरह से इन्होंने इस जेंटलमैन को रीपे किया। ठीक है, सो फार हिज फिलेंथ्रोपीज। देखो, फिलेंथ्रोपीज कहने का मतलब होता है आप जब जरूरतमंदों की मदद करते हो, और ये जो नेचर आपके अंदर होता है, मतलब एक आपका ऐसा बिहेवियर जो कि जब कभी भी किसी नीडी पर्सन को देखता है, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को देखता है, तो आप उसको, आप उसकी बिना मदद की अपने आप को रोक नहीं पाते हो, तो ये वाला टर्म होता है। आखिर मैं नीचे बताऊंगा ये सारे वर्ड्स को कैसे डिफाइन किया गया है आपके बुक में। सो फार हिज फिलेंथ्रोपीज हैड बीन डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स द बॉयज। तो मिसेस लिपिट कहती हैं कि अब तक इस सज्जन पुरुष ने, इस आदमी ने जितनी भी मदद की है वो हमारे अनाथालय के सिर्फ लड़कों की मदद की है। आई हैव नेवर बीन एबल टू इंटरेस्ट हिम इन द स्लाइटेस्ट डिग्री इन एनी ऑफ द गर्ल्स इन द इंस्टीट्यूशन, नो मैटर हाउ डिजर्विंग। मिसेस लिपिट कहती हैं कि मैंने बहुत सारा कोशिश किया, मैंने बहुत प्रयास कर लिया कि इस इंसान की दिलचस्पी मैं अपने अनाथालय, अपने इंस्टीट्यूशन की लड़कियों में जगाऊं। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं हर बार विफल रही हूं। मैं ज़रा सा भी सफल नहीं हो पाई हूं कि मैं इनका, इनकी रुचि लड़कियों में भी हो, इस बात का प्रयास किया है। चाहे हमारे इंस्टीट्यूशन की लड़कियाँ कितनी भी डिजर्विंग क्यों ना हो, वो लाख डिजर्विंग हो, लेकिन पता नहीं ये इंसान ऐसा क्यों करता है कि लड़कियों की मदद करता ही नहीं है, ये सिर्फ लड़कों की मदद करता है। He does not, I may tell you, care for girls. Mrs. Lippitt आगे कहती हैं कि देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें ये तक कह सकता हूँ कि he does not care for girls. मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको, इस जेंटलमैन को, इस सज्जन पुरुष को लड़कियों की परवाह ही नहीं है, ऐसा मिसेज लिपिट को लगता है। टुडे एट द रेगुलर मीटिंग द क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर वॉज ब्रॉट अप। Mrs. Lippitt paused, then resumed in a slow, calm manner. Mrs. Lippitt कहती हैं कि देखो, आज जब रेगुलर मीटिंग हो रही है, मतलब आज जब रेगुलर मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में ये सवाल उठाया गया कि आखिर तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम आगे चलकर भविष्य में क्या करने वाली हो। इतना कह के मिसेज लिपिट जो हैं वो पॉज हो जाती हैं, मतलब रुक जाती हैं, फिर उसके बाद एकदम धीरे धीरे और काफ़ी काम एंड कंपोज्ड मैनर में, काफ़ी स्लोली और बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, यूजुअली एज यू नो द चिल्ड्रन आर नॉट केप्ट आफ्टर दे आर 16। मिसेज लिपिट कहती हैं जेरुसा से कि अक्सर, जैसा कि तुम जानती हो, कि इस अनाथालय में जो बच्चे हैं जब वो 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 16 साल के बाद यहाँ पर नहीं रखा जाता। बट एन एक्सेप्शन वॉज मेड इन योर केस, लेकिन तुम्हारे केस में, तुम्हारे इस सिचुएशन में ये एक अपवाद है कि तुम 16 साल के होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर हो। यू हैड फिनिश्ड स्कूल एट 14। तुमने अपना स्कूल 14 ईयर्स में कंप्लीट किया, जब तुम 14 साल की थी तो तुमने अपना स्कूल कंप्लीट किया। एंड हैविंग डन सो वेल इन योर स्टडीज, इट वॉज डिसाइडेड टू लेट यू गो ऑन टू द विलेज हाई स्कूल। और क्योंकि तुमने अपने स्टडीज में काफ़ी अच्छा किया था, तो फिर हम सब लोगों ने ये तय किया कि तुम्हें गाँव के ही हाई स्कूल में भेजा जाए। Now you are finishing that, अब तुम्हारा गांव का हाई स्कूल जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है, तुम हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म कर पा रही हो। एंड ऑफ कोर्स द ऑर्फनेज, एंड ऑफ कोर्स ऑर्फनेज कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी लॉन्गर फॉर योर सपोर्ट। और हाँ, अब ये तुम्हें जान लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम 16 साल से काफ़ी बड़ी हो गई हो, अब ऑर्फनेज जो है, अब ये जो हमारा अनाथालय है, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता। As it is, you have had 2 years more than most. और जैसा कि तुम्हें पता है कि इस अनाथालय में जितने भी बच्चे रहे हैं, उन सब से 2 साल ज़्यादा तुमने यहाँ पर समय बिताया है, तो ये तुम्हारे केस में एक एक्सेप्शन है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में यूज़ किए गए थे, इन्हें मैं आपको समझा दूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। एफ्लुएंट कहने का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो एक रिच पर्सन को, एक अमीर आदमी को हम लोग एफ्लुएंट कह सकते हैं। अकस्टम्ड का मतलब होता है यूज टू, किसी चीज़ की आदत होना। समन मतलब बुलाया जाना। कॉल्ड इसेंट्रिसिटीज मतलब बिहेवियर।
दैट इज स्ट्रेंज, कोई ऐसा बिहेवियर जो कि अजीब हो, आप कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए नया होता है वो आपके लिए अजीब होता है. फिलेंथ्रोपीज मीन्स प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्पिंग द नीडी, मतलब आपका वो बिहेवियर, आपका वो कंडक्ट जो आप नीडी पर्सन को हेल्प करते हो और अपने आप को रोक नहीं पाते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मिसेस लिपिट ओवरलुक द फैक्ट दैट जेरोसा हैड वर्कड हार्ड फॉर हर बोर्ड ड्यूरिंग दोज टू ईयर्स. अब जब मिसेस लिपिट ये बात कह रही थी कि अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना होगा, तुम 16 साल से बड़ी हो गई हो, तो शायद मिसेस लिपिट ने इस फैक्ट को नज़रअंदाज कर दिया था कि इन दो सालों में जेरुसा ने अपने बोर्ड के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया था, काफ़ी कठिन परिश्रम किया था. एंड दैट द कन्वीनियंस ऑफ द ऑर्फनेज हैड कम फर्स्ट एंड हर एजुकेशन सेकेंड. और कहीं ना कहीं मिसेस लिपिट ने इस फैक्ट को भी नज़रअंदाज कर दिया था कि जेरुसा एबॉट के लिए अनाथालय का कन्वीनियंस, अनाथालय का वेलबींग, कि हमारा जो ऑर्फनेज है वो उसकी प्रायोरिटी जो है वो हमेशा टॉप पे रही थी, वो हमेशा एक नंबर पे रही थी. और उसने अपने स्टडी को दूसरा स्थान दिया था, मतलब सबसे पहले वो अनाथालय की चीज़ों को देखभाल करती थी, बच्चों को और जो उसे स्पेशल टास्क ड्यूटीज़ दिए गए थे उसे कंप्लीट करती थी, फिर बाद में अपनी पढ़ाई करती थी. तो इसने भी तो अनाथालय के लिए कई सारी चीज़ें की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मिसेस लिपिट जो हैं वो इस फैक्ट को नज़रअंदाज कर रही हैं. आगे बढ़ते हैं. As I say, the question of your future was brought up and your record was discussed thoroughly. Mrs. Lippitt continued, you have done well in school in certain branches and it seems that your work in English has been brilliant. अब वही बात है, Mrs. Lippitt कहती है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आज के मीटिंग में तुम्हारे भविष्य का सवाल उठाया गया, ये क्वेश्चन किया गया कि आखिर जेरुसा का फ्यूचर क्या होगा, तो उसी समय तुम्हारे सारे रिकॉर्ड को डिस्कस किया गया, वो भी थॉरली डिस्कस किया गया, मतलब तुमने जो भी पढ़ाई की है, तुम्हारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हारे हिस्ट्री, सबको काफ़ी अच्छे से खंगाला गया. और मिसेस लिपिट आगे कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि तुमने अपने स्कूल के कुछ किसी सर्टन ब्रांचेस में, किसी किसी खास फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और सबसे अच्छा जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश में जो तुमने काम किया है वो शानदार है, वो कमाल का है. मिस प्रिचार्ड हु इज ऑन आवर विजिटिंग कमिटी इज आल्सो ऑन द स्कूल बोर्ड. अब यहाँ पे मिसेस लिपिट कहती हैं कि देखो, एक महिला है जिनका नाम है मिस प्रिचार्ड, जो कि विजिटिंग कमिटी की मेंबर है और वो स्कूल के बोर्ड में भी है, मतलब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसकी वो एक मेंबर है. एंड मेड अ स्पीच इन योर फेवर, तो उन्होंने तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे सपोर्ट में आज एक स्पीच दिया है. सी ऑल्सो रेड अलाउड एन एसे दैट यू हैड रिटन एंटाइटल्ड ब्लू वेंसडे. और आज के मीटिंग में मिस प्रिचार्ड ने एक एसे भी पढ़ा, एक निबंध पढ़ा, और उस एसे को तुमने लिखा था और उस एसे का टाइटल क्या था, ब्लू वेंसडे, मतलब डरावना बुधवार. जेरुसा लुक डाउन गिल्टली. अब इस बात को सुनकर जेरुसा जो है उसको काफी शर्म आ जाता है और वो शर्म से और गिल्ट से, दोष के वजह से उसको ऐसा लगता है दैट सी हैज कमिटेड अ मिस्टेक, शायद उससे गलती हो गई है, शायद उसे ब्लू वेंसडे जो ऐसे है उसे नहीं लिखना चाहिए था. तो इस बात को सोचकर वो अपने सिर को नीचे झुका लेती है. इट सीम टू मी दैट यू शोड लिटिल ग्रैटिट्यूड इन होल्डिंग अप टू रेडिक्यूल द इंस्टीट्यूशन दैट हैज डन सो मच फॉर यू. मिसेस लिपिट अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि जब मैंने मिस प्रिचार्ड को उस ऐसे को पढ़ते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने हमारे इस इंस्टीट्यूशन, तुमने हमारे इस अनाथालय को बेइज्जत करने का, इसे बदनाम करने का पूरी कोशिश की है, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी और इस इंस्टीट्यूशन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया लेकिन तुमने ज़रा सा भी आभार प्रकट नहीं किया, तुमने इस इंस्टीट्यूशन के लिए एक थैंक यू तक नहीं बोला है, बल्कि तुमने इस इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया है. अगर आप इस लाइन को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि इट सीम टू मी दैट यू शोड लिटिल ग्रैटिट्यूड. मिसेस लिपिट कहती हैं मुझे ऐसा लगा कि तुमने जरा सा भी आभार प्रकट नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया है, यू हैव रेडिक्यूल द इंस्टीट्यूशन, आपने इस इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया है अपने उस ऐसे में. दैट हैज डन सो मच फॉर यू, उस इंस्टीट्यूशन को आपने बदनाम करने की कोशिश की है, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने भला बुरा कहा है जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया.
तो मिसेस लिपिट ये बात कहती हैं जेरुसा से, हैड यू नॉट मैनेज टू बी फनी आई डाउट इफ यू वुड हैव बीन फॉरगिवन। अब बच्चों इस बात को जरा ध्यान से समझना, ये जो लाइन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा सा कठिन है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, हैड यू नॉट मैनेज टू बी फनी आई डाउट इफ यू वुड हैव बीन फॉरगिवन। मिसेस लिपिट कहती हैं कि देखो यदि तुम फनी नहीं होती तो मुझे पूरा शक था कि तुम्हें माफ किया जाता। इसका मतलब कि जेरुसा ने जिस तरीके से उस अनाथालय को क्रिटिसाइज किया था और जिस तरीके से उसने ब्लू वेंसडे उस एसे को लिखा था वो काफी फनी था। भले ही उसने अनाथालय की आलोचना की थी, उसमें अनाथालय के बारे में बुराइयां उसने की थी, लेकिन जिस तरीके से उसने बुराइयां की थी वो काफी फनी था, काफी मजाकिया था और सभी लोगों को पढ़कर काफी मजा आया और इसीलिए लोगों ने उसे माफ कर दिया। बट फॉर्चुनेटली फॉर यू द जेंटलमैन हु हैज जस्ट लेफ्ट अपीयर्स टू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर मिसेस लिपिट आगे कहती हैं कि लेकिन फॉर्चुनेटली, बहुत ही किस्मत है, बहुत तकदीर वाली हो, बहुत तुम भाग्यशाली हो कि ये जेंटलमैन जो कि अभी अभी यहाँ से निकले हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मजाक की अच्छी समझ है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर मजाक को काफी अच्छे से समझ सकते हैं और समझते हैं। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पेपर ही हैज ऑफर्ड टू सेंड यू टू कॉलेज। और सिर्फ उसी पेपर मतलब सिर्फ उसी एसे के बदौलत, जो एसे ब्लू वेंसडे करके तुमने जो लिखा था और वो इतना कमाल का था कि सिर्फ उसी एक एसे के बदौलत इस जेंटलमैन ने तुम्हें ऑफर किया है कि वो तुम्हें कॉलेज भेजना चाहते हैं। टू कॉलेज, जेरुसाज आईज ग्रू बिग। अब इस बात को सुनकर जेरुसा की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह कहती है क्या टू कॉलेज, वो मुझे कॉलेज भेजना चाहते हैं। मिसेस लिपिट नॉडेड। अब मिसेस लिपिट अपने सिर को हिलाती हैं, कहती है हाँ, ही डिस्कस्ड द टर्म्स विद मी। उन्होंने तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस मतलब कुछ शर्त भी रखे हैं, मतलब वो कॉलेज तो तुम्हें भेजेंगे बट उनका कुछ कंडीशन है, उन्होंने कुछ शर्त रखा है जो कि उन्होंने मुझसे बात किया है। दे आर अनयूजबल। और ये जो कंडीशंस, ये जो टर्म्स उन्होंने रखे हैं वो थोड़े से असाधारण है, थोड़े से अजीबोगरीब है, थोड़े से अनयूजुअल है। द जेंटलमैन बिलीव्स दैट यू हैव ओरिजिनैलिटी। इस सज्जन पुरुष को, इस आदमी को लगता है कि तुम्हारे अंदर ओरिजिनैलिटी है, तुम्हारे अंदर इंडिविजुअलिटी है, मतलब तुम खुद की चीजें करती हो, तुम कॉपी पेस्ट नहीं करती, तुम लोगों की चीजें नहीं चुराती। एंड ही इज प्लानिंग टू एजुकेट यू टू बिकम अ राइटर। और वो चाहते हैं कि वो तुम्हें पढ़ा लिखा कर क्या बनाए, एक राइटर बनाए, एक ऑथर बनाए, एक लेखक बनाए। अ राइटर, जेरुसाज माइंड वॉज पजल्ड। अब जैसे कह जेरुसा सुनती है वो कहती है क्या एक लेखक बनाना चाहते हैं। जेरुसाज माइंड वॉज पजल्ड मीन्स ही वॉज सो कन्फ्यूज, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं और वो उससे राइटर ही क्यों बनाना चाहते हैं। She could only repeat Mrs. Lippitt's words. अब जेरुसा इतनी कंफ्यूज है कि वो खुद से कुछ नहीं बोल पा रही है, मिसेस लिपिट जो कहती हैं सिर्फ उन्हीं के वर्ड्स को वो रिपीट कर रही है। एंड दैट इज हिज विश, मिसेस लिपिट कहती हैं ये उनका चॉइस है, ये उनकी मर्जी है। ही इज गिविंग यू अ वेरी जेनरस अलाउंस, और वो तुम्हें एक बहुत अच्छा पॉकेट खर्च, एक बहुत अच्छा पॉकेट मनी, एक बहुत अच्छा अलाउंस दे रहे हैं। ही हैज प्लान्ड द मैटर इन डिटेल्स। देखो उस सज्जन पुरुष ने, उस जेंटलमैन ने चीजों को काफी अच्छे से प्लान किया है, काफी डिटेल से प्लान किया है। यू आर टू रिमेन हियर थ्रू द समर। देखो तुम यहाँ पर इस ऑर्फनेज में समर तक रहोगी, पूरे गर्मी तक रहोगी। एंड मिस प्रिचार्ड हैज काइंडली ऑफर्ड टू ऑब्जर्व योर आउटफिट्स। और देखो मिस प्रिचार्ड जो है उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये ऑफर दिया है कि वो तुम्हारे कपड़ों का ख्याल रखेंगे, वो तुम्हारे आउटफिट्स का ख्याल रखेंगे। योर बोर्ड एंड ट्यूशन विल बी पेड डायरेक्टली टू द कॉलेज। और तुम्हारे बोर्ड और ट्यूशन का जो फी होगा वो डायरेक्टली कॉलेज को पे किया जाएगा। एंड यू विल रिसीव एन एडिशनल अलाउंस ऑफ $35 अ मंथ। इन सभी चीज़ों के अलावा तुम्हें $35 मतलब $35 पैसे जो हैं वो हर मंथ तुम्हें दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया, एक बार नजर मारते हुए चलते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल। जब कोई इंसान आपके लिए कुछ करता है तो आप उसके प्रति थैंकफुल होते हो, उसी को हम लोग बीइंग ग्रेटफुल कहते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं।
रेडिक्यूल का मतलब होता है कमेंट्स दैट मेक समथिंग और समवन लुक सिली, कोई ऐसा कमेंट जिसके वजह से कोई चीज सिली या बेकार सा या कोई चीज बुरा नजर आता है। और अलाउंस का कहने का मतलब होता है पॉकेट मनी। चलिए आगे देखते हैं। द मनी विल बी सेंट टू यू बाय द जेंटलमैन्स प्राइवेट सेक्रेटरी वंस अ मंथ। अब ये पैसे जो हैं $35 पर मंथ, ये कैसे भेजे जाएंगे? तो उस जेंटलमैन का एक प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो हर महीने तुम्हें वो पैसे भेज देगा। एंड इन रिटर्न यू विल राइट अ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट वंस अ मंथ। और इसके बदले तुम्हें हर महीने एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट लिखना होगा। अब ये लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता क्या है? लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट हम उसे कहते हैं कि जब आपको कोई लेटर मिलता है और आप रिप्लाई बैक करते हो ये बताते हुए कि हाँ आपको लेटर मिल गया और आप उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पावती पत्र, मतलब हाँ मैंने चीजें रिसीव कर ली, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर मिसेस लिपिट क्या कह रही हैं कि हर महीने $35 पैसे भेजे जाएंगे जो कि उसका पॉकेट मनी होगा, और उसके बदले हर महीने जेरुसा को एक लेटर लिखना होगा। कौन सा लेटर? लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। यू आर नॉट टू थैंक हिम फॉर द मनी एज ही डजंट केयर टू हैव दैट मेंशन। अब मिसेस लिपिट कहती हैं कि देखो उस लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट में तुम्हें उस जेंटलमैन को पैसे के लिए थैंक यू नहीं बोलना है क्योंकि उनको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट यू आर टू राइट अ लेटर टेलिंग अबाउट द प्रोग्रेस इन योर स्टडीज एंड द डिटेल्स ऑफ योर डेली लाइफ। बल्कि उस लेटर में तुम्हें लिखना क्या है, तो तुम्हें ये चीज़ें बतानी है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तुम कितना अच्छे से प्रोग्रेस कर रही हो तुम्हारी स्टडीज और इन सभी चीज़ों का, और तुम्हारे डेली लाइफ का तुम्हारा क्या शेड्यूल है, तुम दिन में क्या क्या करती हो, कौन सी चीज़ें करती हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें उसमें लिखना है। जस्ट सच अ लेटर एज यू वुड राइट टू योर पेरेंट्स इफ दे वर लिविंग। ये मान सकती हो कि तुम्हें बिल्कुल एक वैसा ही लेटर लिखना है जैसे कि तुम अपने पेरेंट्स को लिखती यदि वो इस दुनिया में होते, यदि वो इस दुनिया में जिंदा होते, ठीक है। तो तुम्हें बस एक ऐसा लेटर लिखना है जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं। These letters will be addressed to Mr. John Smith and will be sent to the secretary. और ये जो letters हैं वो किसके नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि उस gentleman का तो नाम पता ही नहीं है, तो address तो चाहिए होगा। तो ये जो letters हैं वो Mr. John Smith के नाम पे लिखे जाएंगे और ये फिर उनके secretary को भेज दिया जाएगा and will be sent to the secretary. The gentleman's name is not John Smith. ये मैं बता दूं कि उस gentleman का नाम John Smith नहीं है, बट ही प्रेफर्स टू रिमेन अननोन। लेकिन वो हमेशा अनजान रहना पसंद करते हैं, वो अननोन रहना पसंद करते हैं। हिज रीजन इन रिक्वायरिंग द लेटर्स इज दैट ही थिंक्स नथिंग सो इनकरेजेज अबिलिटी इन लिटररी एक्सप्रेशन एज लेटर राइटिंग। अब यहाँ पर एक रीजन है, मतलब इस जेंटलमैन को हर महीने तुमसे लेटर क्यों चाहिए, हर महीने वो लेटर तुमसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटररी एक्सप्रेशन की बात करें, तो उसमें लेटर राइटिंग से ज़्यादा इनकरेजिंग और कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब उस इंसान को लेटर राइटिंग, मतलब अगर कोई दूसरा इंसान लेटर लिख रहा है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें लेटर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंस यू हैव नो फैमिली विद होम टू कॉरस्पॉन्ड ही डिज़ायर्स यू टू राइट इन दिस वे। अब क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई फैमिली है नहीं जिसके साथ तुम कॉरेस्पॉन्ड कर सको, जिसके साथ तुम पत्राचार कर सको, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम इस तरीके से लेटर लिखो जैसे कि मानो कि तुम अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रही हो। ऑल्सो ही विशेज टू कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, और इस तरह से जब तुम हर महीने उन्हें लेटर्स भेजोगी तो वो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर अपना नज़र रख सकेंगे, वो तुम्हें एक तरह से गाइड कर सकेंगे कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है और तुम अच्छा कर रही हो या नहीं। ही विल नेवर आंसर योर लेटर्स। मिसेस लिपिट आगे जेरुसा को ये इन्फॉर्म करती हैं कि देखो तुम्हें तो हर महीने लेटर लिखना होगा, लेकिन वो तुम्हारे लेटर्स को कभी भी आंसर नहीं करेंगे एज ही डिटेस्ट्स लेटर राइटिंग, क्योंकि उनको लेटर राइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उन्हें लेटर्स पढ़ना पसंद है बट लिखना पसंद नहीं है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे लेटर्स का आंसर करने वाले नहीं है।
These monthly letters are absolutely obligatory on your part. सुनो जेरुसा, ये जो monthly letters तुम्हें लिखने के लिए बोला गया है वो तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे साइड से हर महीने obligatory है. मतलब तुम्हें हर महीने एक letter लिखना ही होगा at any cost, at any situation. They are the only payment that Mr. Smith requires. क्योंकि ये letters ही वो payment है तुम्हारे तरफ से जो कि Mr. Smith को चाहिए. अब ये मिस्टर स्मिथ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मिस्टर स्मिथ वो जेंटलमैन नहीं है, ये उनका सेक्रेटरी है. आई होप दैट दे विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन टोन एंड विल रिफ्लेक्ट क्रेडिट ऑन योर ट्रेनिंग. अब यहाँ पर मिसेस लिपिट जेरुसा को ये हिदायत देती हैं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि जब तुम लेटर लिखोगी तो उसका जो टोन होगा वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल होगा और ये चीज़ें तुम्हारी ट्रेनिंग पे झलकनी चाहिए. You must remember that you are writing to a trustee of the John Grier Home. और तुम जब कभी भी कोई लेटर लिखो तो तुम्हें ये बात हमेशा याद होनी चाहिए कि तुम John Grier Home के एक ट्रस्टी को लेटर लिख रही हो. Jerusha's eyes were at the door. अब जेरुसा की नज़रें जो थी वो दरवाजे पर थी, मतलब वो दरवाजे से निकलना चाहती थी, वो बाहर आना चाहती थी. In a moment of great excitement, she wished to escape and think. अब वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी कि वो ये चाह रही थी कि काश वो अभी उसी वक्त फटाफट दरवाजे से बाहर निकले और इन चीज़ों के बारे में सोचे. सी रोज एंड टुक अ स्टेप बैकवर्ड. इतना इसके बाद वो खड़ी हो जाती है और एक स्टेप पीछे की तरफ चलती है. यस मैम, थैंक यू. आई थिंक इफ दैट्स ऑल आई मस्ट गो एंड सू अ पैच ऑन फ्रेडी पॉकिंस ट्राउजर्स. और उठती है और वो कहती है यस मैम, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि अगर आपने सारी चीज़ें बता दी है, आपने सारी बातें बता दी हैं, तो अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे फ्रेडी पर्किंस के ट्राउज़र पे एक पैच लगाना है. उसका ट्राउज़र जो है वो फट गया है और मुझे उसे रिप्योर करना है, उसे मुझे स्टिच करना है, ठीक करना है. द डोर क्लोज बिहाइंड हर. और उसके बाद वो दरवाजे को बंद करके कमरे से बाहर निकल जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा कि जेरुसा कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है. और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है. दिस वॉज अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डैडी लॉन्ग लेग्स रिटन बाय जीन वेबस्टर. अब देखिए यहाँ पर जीन वेबस्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ देख लेते हैं. जीन वेबस्टर, सी वॉज बॉर्न इन 1876 एंड सी वॉज डाइड इन द ईयर 1916. Was the pseudonym used by American writer and author Alice Jane Chandler Webster. अब देखिए जीन वेबस्टर जो है वो एक pseudonym था, एक pen name था, एक झूठा नाम था एक American writer और author जिनका original नाम क्या था, Alice Jane Chandler Webster. Her best known books have lively and likable young female characters. यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो best book है उसमें काफ़ी लाइवली, काफ़ी लाइकेबल यंग फीमेल कैरेक्टर्स हैं जेरुसा के जैसे. हर कैरेक्टर्स एंड प्लॉट आर मोस्ट ह्यूमरस. उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं और उनके प्लॉट, उनकी कहानियां जो होती हैं वो बहुत ही फनी ह्यूमरस होती हैं, विच मेक्स हर बुक्स इंजॉयबल टू रीडर्स. और इस तरह से उनकी किताबें जो हैं वो रीडर्स के लिए, पढ़ने वालों के लिए काफ़ी आनंददायक होता है, काफ़ी इंजॉयबल होता है. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में यूज़ किए गए थे. लाइक प्राइवेट सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हुज जॉब इज टू डील विद इम्पॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस पर्सन. डिटेस्ट मीन्स डिसलाइक. ऑब्लिगेटरी मीन्स समथिंग दैट यू मस्ट डू. कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड यू मस्ट शेयर दिस वीडियो with your classmates. Take care. Bye-bye. See you in another video.